वक्त देखा है? 3 मिनट लेट हो तुम। मुझे लगा था वक्त से पहले एक्सेल शीट मुझे सबमिट कर दोगे। एक्चुअली एक्सेल शीट तो बन गई है, लेकिन लेकिन क्या? एक प्रॉब्लम है, छोटी सी। आई मीन छोटी नहीं है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या है वो बड़ी प्रॉब्लम? एक्चुअली मैं और मेरे डैड, हम दोनों फाइनेंसेस को जानते हैं अच्छे से, और आई वॉज वेरी श्योर कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे फाइनेंसेस मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं मार्केट में उतरा और मैंने देखा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। सो आई जस्ट गॉट माई मार्केट रियलिटी चेक। आई जस्ट नीड सम टाइम। इसका मतलब फाइनेंसर्स ने तुम्हें फाइनेंस नहीं दिया, तुम्हें मार्केट से पैसा नहीं मिला। ये थी तुम्हारी वो बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुमने 3 मिनट लेट किया। सोचो तुम्हारी एक्सेल शीट लेट हुई है तो मेरा ये रिएक्शन है, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा तो फिर क्या रिएक्शन होगा? तुम जानते हो ना, मुझे वो लोग सख्त नापसंद है जिन्हें वक्त की कोई कीमत नहीं, और खास करके बिजनेस में बिल्कुल नहीं। You're right, and I absolutely respect that. तुम मुझे बस कल तक का टाइम दे दो, कल मैं फाइनेंसेस वगैरह सब कुछ रेडी कर दूंगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ लूंगा। जस्ट टिल टुमारो। तुम मुझे ही निकाल रही हो? ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो पास्ट में नहीं फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। तुम आज कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या कंडीशन है, उन्हें सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है वो ये देखेंगे, और प्रोजेक्ट करने वाले में कितना पोटेंशियल है वो ये देखेंगे। उन्हें फाइनेंस करेंगे जो उन्हें पसंद आएगा। Let me fix you his appointment. तुम seriously ऐसा मेरे लिए? नहीं करूं, it's okay. Appointment नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए, of course चाहिए, बहुत desperately चाहिए, please please बात करो। Don't worry, वो मेरे dad के friend है, relax. Hello uncle, मैं काया बोल रही हूँ। काया, कैसी हो बेटा? कहाँ हो, क्या चल रहा है आजकल? तुम्हारे पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। Actually मैंने एक काम के सिलसिले में आपको कॉल किया था। एक प्रोजेक्ट है, मैं चाह रही थी कि आप देख लें, वो मेरे कलीग का ही है, लेकिन फाइनेंस आपको करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुमने कॉल किया, समझो तुम्हारा काम हो गया। बट बेटा एक इशू है, इस वक्त मैं दिल्ली ऑफिस में नहीं हूँ, बेंगलोर के लिए निकल गया हूँ। बट गुड न्यूज ये है कि अक्षय लंदन से वापस आ गया है और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। उसको बोल देता हूँ, वो मिलेगा उससे। उसे बोलो कि अक्षय से मिल ले। बोलो कब भेजोगी उसे? अभी। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, हमारा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में तो है, कोई दिक्कत नहीं। 5th फ्लोर पर भेज दो उसे। मिलेगा अक्षय उससे। टाइम इज मनी। लेट मतलब नुकसान। अच्छा लगा ये सुनकर, कम से कम किसी को तो वक्त की कीमत का अंदाजा है। फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। नो, ऐसे थैंक्स नहीं लूंगा मैं। बेंगलोर से जब लौटूंगा तब मिलकर थैंक्स बोलना पड़ेगा। ओके श्योर, बाय। मैंने अपना काम कर दिया है, नाउ इट्स अप टू यू। 5th फ्लोर पर जाना है तुम्हें, सेम बिल्डिंग। AK प्रो फाइनेंस कंपनी है, मिस्टर टंडन की, उनका बेटा होगा अक्षय टंडन, तुम्हें वहां मिल जाएगा। अक्षय टंडन, ये वही है ना जेल वाला? नहीं नहीं, कोई और होगा यार, क्या वो हो भी सकता है? ठीक है, जो भी है मैं देख लूंगा जाके, बट काया को नहीं बताऊंगा कि मैं उसको जानता हूँ, वरना अपसेट हो जाएगी। वैसे इतना गर्म रहती है, सोचेगी यहाँ मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और ये ओवर स्मार्ट बन रहा है। मुझे लगता है वक्त पर बात करने में तुम्हें बहुत मजा आता है, नहीं? 5th फ्लोर राइट नाउ। यस, थैंक यू सो मच काया, मतलब इट्स अ बिग हेल्प, थैंक्स, थैंक यू। या श्योर, बिग हेल्प, मिस्टर मैनेजर, मिस्टर रणवीर कोहली। क्योंकि काया कभी किसी की इतनी मदद नहीं करती। पहले तुम्हें प्रोजेक्ट ला कर दिया और फिर फाइनेंस में हेल्प, लेकिन क्या करो, तुम अलग हो, हटके हो, और काया को कुछ अलग, कुछ हटके हमेशा अच्छा लगता है।